आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। थोड़ा शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। पिछले साल कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमने भारत जोड़ो यात्रा की 4000 किलोमीटर, और हजारों लोगों से मेरी बातचीत हुई। हर प्रदेश में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग भाषाओं में, और सब लोगों ने एक ही बात कही कि जो हिंदुस्तान है वो नफरत का देश नहीं है, वो मोहब्बत का देश है, भाईचारे का देश है। और रास्ते में लोगों ने मुझे दो तीन चीजों के बारे में, हर स्टेट में पूरे रास्ते बताया। पहली बात कि आज के हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को देश की पूरी पूंजी पकड़ाई गई है, पूरा का पूरा फायदा तीन चार बड़े उद्योगपतियों को मिलता है, और जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले हैं, जो गुजरात की स्पेशलिटी है, उनको पूरे हिंदुस्तान में एक के बाद एक खत्म किया जा रहा है। छोटे दुकानदारों ने, छोटे व्यापारियों ने मुझे कहा कि नोटबंदी और जीएसटी हमें मारने के हथियार हैं, हमें खत्म करने के हथियार हैं, और अदानी जी के लिए रास्ता बनाने वाले हथियार हैं। तो जो देश को रोजगार देते थे, जो देश की रीढ़ की हड्डी हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले, छोटे व्यापारी, जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, उन सब को सरकार ने खत्म कर दिया है। और हर सेक्टर में अगर आप देखें तो आपको अदानी दिखाई देगा। आप एयरपोर्ट देख लीजिए, आप पोर्ट्स देख लीजिए, आप कृषि का सेक्टर देख लीजिए, स्टोरेज देख लीजिए, हिमाचल में सेब देख लीजिए, सोलर पावर देख लीजिए, विंड पावर देख लीजिए, पावर जनरेशन देख लीजिए, माइनिंग देख लीजिए, सब जगह आपको एक व्यक्ति का चेहरा दिखाई देगा। पहले क्या होता था, पहले हथियार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, राइफल्स, पिस्तौल, कारतूस, ये सब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, पब्लिक सेक्टर फैक्ट्री थी। अब क्या किया, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हीं दो तीन लोगों को पकड़ा दिए। अब अदानी डिफेंस का भी माल बनाता है, सही है ना? आप मुझे बताओ, ये अग्निवीर योजना ये क्यों लागू की गई? ये किसी युवा को नहीं अच्छी लगती। हिंदुस्तान में एक आपको ऐसा युवा नहीं मिलेगा जो आपको कहेगा मुझे अग्निवीर योजना अच्छी लगती है। यह सेना को भी अच्छी नहीं लगती, आर्मी के लोगों को भी अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जवानों को चार पांच साल की ट्रेनिंग लगे, वो चाहते हैं कि उनके जवानों को लगे कि हमारी भी रक्षा है, हमारी पेंशन मिलेगी, हमारी कैंटीन होगी। तो ये सिर्फ इसका एक ही कारण है, जो पैसा सेना में जवानों की ट्रेनिंग के लिए जाता था, उनकी पेंशन के लिए जाता था, उनकी कैंटीन के लिए जाता था, वो पैसा अब सरकार अदानी जी को हथियार बेचने में देना चाहती है। अब हुआ क्या, दो तरीके के शहीद हो गए, एक जो नॉर्मल आर्मी का जवान है और दूसरा जो अग्निवीर है। अग्निवीर कैसे कहते हैं, भैया आप चार साल रहोगे, अगर आप शहीद हो गए, आपको गोली लग गई,
तो आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। आप आर्मी छोड़ोगे तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा, आपको इज्जत नहीं मिलेगी, आपको वापस 4 साल बाद बेरोजगारी में हम डाल देंगे। तो आर्मी वाला रास्ता बंद कर दिया। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, BHEL, HEL, ये सब कंपनी होती थी, इसमें युवा रोजगार पा सकते थे। इनको एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद बेच रहे हैं। तो आपके जो रास्ते थे बेरोजगारी से निकलने के, उनको ये बंद कर रहे हैं। जहां भी देखो, तो हमने कल राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने एक दो अनाउंसमेंट किए। पहला अनाउंसमेंट कि 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं जो आज खाली पड़ी हुई हैं, 30 लाख। जैसे ही हमारी सरकार आएगी वो 30 लाख नौकरियां हम भर के आपको दे देंगे। हमने एक नया कानून बनाएंगे, अप्रेंटिसशिप का कानून। जो भी कॉलेज का ग्रेजुएट होगा, डिप्लोमा होल्डर होगा, यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आएगा, चाहे वो कोई भी हो हिंदुस्तान में, उनको हम अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। मतलब एक साल के लिए उनको गारंटी करके पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में एक साल की ट्रेनिंग और नौकरी गारंटी करके उनका अधिकार बनता है। एक साल के अंदर उनके जेब में 1 लाख रुपए हम डाल देंगे। आप देखिए, आपसे युवाओं से पेपर कराते हैं, एग्जाम कराते हैं, गरीब युवा एग्जाम करते हैं, जिस दिन आप एग्जाम भरने जाते हो उस दिन 2-3% अमीर बच्चे अपने मोबाइल फोन पे ईमानदार बच्चों को एग्जाम दिखा देते हैं कि ये देखो तुमने पढ़ाई की, हमारे पास तो पेपर लीक हो गया। तो हम एक नया कानून लाएंगे जो ये जो पेपर की आउटसोर्सिंग हो रही है, टेस्टिंग की आउटसोर्सिंग हो रही है, चेकिंग की आउटसोर्सिंग हो रही है, इसको हम बंद कर देंगे। सिर्फ सरकारी संस्थाएं एग्जाम दे पाएंगे, और अगर किसी ने पेपर लीक करवाया तो उस पर जबरदस्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई एकदम हम शुरू कर देंगे। तो यह हुई बात बेरोजगारी की। मेन सवाल यह है कि 90% लोग खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, और हिंदुस्तान में उन 90% को कहीं भागीदारी नहीं मिलती। आप बड़ी बड़ी मीडिया कंपनी देख लो, बड़ी ब्यूरोक्रेट्स को देख लो, आपको जो 90% आबादी है हिंदुस्तान की, वो लोग आपको इसमें नहीं मिलेंगे। तो ये हम बदलना चाहते हैं कि गरीब व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटा दुकानदार हो जो हाथ से काम करता है, उनके लिए भी बैंक के दरवाजे खुलें। आज क्या होता है, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। 16 लाख मतलब आप जानते हो 16 लाख करोड़ कितना होता है? आम आदमी समझ ही नहीं सकता ये 16 लाख करोड़ कितना होता है। मैं आपको बताता हूं, 65,000 करोड़ रुपए में एक साल का मनरेगा चल जाता है। ठीक है, मतलब नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों को
24 साल का मनरेगा कर्जा माफ करके दे दिया, और एक किसान का पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने कर्जा माफ नहीं किया, एक मजदूर का कर्जा माफ नहीं किया, एक स्टूडेंट का कर्जा माफ नहीं किया। तो इन लोगों ने क्या गलती की है कि अदानी का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ हो जाता है, बड़े बड़े अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए हो जाता है, मगर जो देश को बनाते हैं चलाते हैं किसान मजदूर छोटे दुकानदार स्टूडेंट्स, इनका एक रुपया कर्जा नहीं माफ होता। नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात की थी, स्टार्टअप इंडिया की बात की थी, कितने स्टार्टअप दिखे आपको? कहीं है? एक स्टार्टअप नहीं है। और वो जो हैं वो सारे विदेशी कंपनी विदेशी पैसे के कंट्रोल में है। तो हमने निर्णय लिया है कि 5,000 करोड़ रुपया हम हिंदुस्तान के गरीब युवाओं के लिए फंड बनाएंगे, और वो फंड दिल्ली में नहीं होगा, वो फंड डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे जाएगा। मतलब स्टार्टअप कंपनी शुरू करने के लिए किसान के बेटे मजदूर के बेटे हर डिस्ट्रिक्ट में 10 से 20 करोड़ रुपए उनके लिए हम भेज देंगे, ब्लॉक में और डिस्ट्रिक्ट में। तो यह फर्क है हम में और उनमें। हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, वो नफरत फैलाते हैं। हम गरीब लोगों की मदद करते हैं, वो 2-3 बड़े बड़े उद्योगपतियों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ा देते हैं। आप सब आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।
चाहे आजाद नहीं, मांगा है हक कोई फरियाद नहीं, रोज पसीना बहाए अपमान सहे, गरीब का घर फिर भी आबाद नहीं, कहाँ है न्याय, कहाँ है न्याय, काम की खोज है पैरों में है छाले, हक को तरसते भारत बनाने वाले, हर सुबह पे है ताले, बोल किसने डाले, है गुरूर जैसा वो सच छुपाने वाले, अब तो ले स्वाभिमान लुट गया, गरीबों से पूछो, कितने युवाओं का सपना टूटा, युवाओं से पूछो, कितनी नारियां सम्मान को तरस रही, नारी की मन से पूछो, हाथ से जुड़े हाथ सब देशवासी साथ, सबके हक के लिए न्याय की करेंगे बात, गरीब किसान साथ मजदूर हक के मारे, मिल के जब बढ़ेंगे तो न्याय लेंगे सारे, पहुंचेंगे हर घर तक, गली मोहल्ला संसद तक, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक, चली 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 भारत जोड़, भारत छोड़ो न्याय यात्रा, पहुंचेंगे हम घर घर तक, न्याय का हक मिलने तक।